ही गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर। सो गाइस, आज मैं अपने सारे ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करूँगी। कैसे करती हूँ इस वीडियो में आप देखोगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसमें मेरे सारे के सारे ब्यूटी ब्लेंडर हैं एंड इसमें काफ़ी सारे मेकअप ब्रशेस हैं। सो इन दोनों को मैं आज क्लीन करने वाली हूँ। सो मैं आपको दिखा दूँ ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करने से पहले एंड क्लीन करने के बाद मैं दिखाऊंगी इसका क्या रिजल्ट है। सो टोटल मेरे पास 4 ब्यूटी ब्लेंडर हैं। इन सभी को मैं क्लीन करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक बाउल में गरम पानी लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो। शैम्पू को अच्छे से पानी में मिलाकर आप अपने ब्रशेस को या ब्यूटी ब्लेंडर जो भी आपको क्लीन करना हो आप पानी में डाल दो। यहाँ सबसे पहले मैं अपने ब्रशेस को क्लीन करूँगी। सो एज यू कैन सी गाइज, मैं सारे अपने ब्रशेस को इस पानी में डाल दूँगी और हल्के हल्के हाथों से रब करके क्लीन करूँगी। और बीच में मैं 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि लास्ट में जब हम क्लीन करें तो ये इजीली क्लीन हो जाए। एंड नाउ गाइस, यू कैन सी क्लियरली मेरे सारे के सारे ब्रशेस कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं एंड जितने भी इसके मेकअप थे मेरे ब्रशेस में वो कितने अच्छे से पानी में निकल गया है। एंड आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा गंदा निकला है। अब मैं अपने सारे ब्रशेस को क्लीन वाटर में अच्छे से एक बार और धो लूँगी और इसे धूप में रख दूंगी सूखने के लिए। आपको ब्रशेस को ज़्यादा रब नहीं करना है अपने हाथों से क्योंकि मेकअप ब्रशेस काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। जब आप अपने मेकअप ब्रशेस को पानी में छोड़ोगे 5 से 10 मिनट के लिए तो काफ़ी अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। एंड नाउ गाइज, अब हम देखेंगे ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन करती हूँ मैं। सो गाइज, बड़े से बाउल में मैं गर्म पानी ले लूँगी और इसमें मैं शैम्पू डाल दूंगी। शैम्पू को डालने के बाद मैं सारे के सारे अपने ब्यूटी ब्लेंडर एक एक कर इसमें डाल दूंगी एंड हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके इसे क्लीन करूंगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से क्लीन हो सके एंड इसके सारे मेकअप जो भी मेकअप एंड डस्ट इसमें हैं वो अच्छे से निकल सके। एंड नाउ गाइज, आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा गंदा निकला है। मेरे ब्रशेस से ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर में मेकअप था सो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हो। गाइज, इस बात का जरूर ध्यान रखना, आप अपने नेल से ब्यूटी ब्लेंडर को कभी क्लीन नहीं करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और नेल से लगने के कारण ब्यूटी ब्लेंडर फट जाता है। सो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अपने फिंगर की मदद से ही क्लीन करना। एंड नाउ गाइज, मैं पानी को चेंज कर दूंगी। सो मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को दूसरे बाउल में डालूंगी फ्रेश पानी में। सारे ब्यूटी ब्लेंडर से पानी को स्क्वीज कर लूंगी अच्छे से और दूसरे बाउल में डालकर अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो गाइज, आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे ब्यूटी ब्लेंडर कितने अच्छे से क्लीन हुए हैं। इसके जितने भी मेकअप एंड डस्ट पार्टिकल्स थे वो कितने अच्छे से निकल गए हैं। अब सभी ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर को मैं धूप में सुखा दूंगी। गाइस, आप चाहो तो लास्ट टाइम ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करने के टाइम लास्ट वाले पानी में आप 1 चम्मच डेटॉल डाल के भी क्लीन कर सकते हो, बट आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी क्लीन हो गया है। सो आप देख सकते हो मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेस कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। गाइस, अगर आप अपने ब्रशेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन नहीं करते हो और उसे रीयूज कर लेते हो तो आपको काफ़ी सारे फेस पे पिंपल्स एंड एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेस को हमेशा क्लीन करना है यूज करने से पहले। सो या फ्रेंड, इट्स ऑल माय टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। I will see you in my next video with my next topic. Till then, bye bye, take care.